आज मैं 70 साल का होने जा रहा हूं और आज जहां मैं खड़ा हूं उस मुकाम से जब मैं पीछे देखता हूं कि मैं कहां से चला था और कहां पहुंचा हूं और क्या मेरी प्रगति हुई और उस प्रगति को देखकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मेरी प्रगति के पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह रही है वो शायद ये कि मैं बाय नेचर हार्ड वर्किंग, सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ। शायद इसी की वजह से मैं आज वो कुछ अचीव कर पाया जो आप लोगों ने अभी देखा, महसूस किया। ये आपके सामने है, आपके अपने जजमेंट में। आपके साथ मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं 25 साल का था शायद, उस वक़्त मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और वो प्रार्थना ये थी कि हे प्रभु, आपने दुनिया में भांति भांति के लोग, भांति भांति के भाग्य के साथ बनाए हैं, प्लीज़ मेरे को उस कैटेगरी में रखना जहां मैं मेहनत कर सकूं और उस मेहनत का फल आप मुझे दे पाए। प्रभु को मैंने कहा, मेरे से जितना मर्जी गहरा गड्ढा खुदवा लेना, लेकिन आखिर में पानी आपको उसमें निकाल के देना पड़ेगा। शायद उसी की वजह से ये लगा कि एक बहुत बड़ा काम, आई थिंक आई वॉज डेस्टिन टू लॉन्च कॉम पेंट, इंडियाज फर्स्ट स्प्रे पेंट इन द कंट्री, फॉर विच आई हैड वर्क सुपर हार्ड। क्योंकि उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना मोबाइल था, ना ईमेल थी। छोटी 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 चीज़ें सारी इकट्ठी करके अपना घंटों का समय लगा के तब उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा और उसके बाद में फिर ये कहानी यहाँ से आगे गई। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद, इस प्रार्थना के बाद मैं हमेशा, मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि जो उसने इतना दिया कि मांगने की मेरी बारी ही नहीं आई, क्योंकि मैं हर वक्त हर क्षण उसका धन्यवाद ही करता रहा कि प्रभु तुमने इतना मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद। अपने बारे में मैं एक बात और शेयर करूंगा कि मैं इस तरह का इंसान हूं जो हर चीज़ में परफेक्शन देखता है। परफेक्शन आँख में एकदम ही दिख जाती है कहीं पर भी, क्या चीज़ आउट है, क्या चीज़ गलत है। ऑफकोर्स परफेक्शनिस्ट आदमी को होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, उससे आपके रिजल्ट इम्प्रूव होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात और भी है कि उससे टेंशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है, जो सब कुछ मुझे मिला। पर एनीवे, आई डोंट माइंड दैट। सो देवी और सज्जनों, मित्रों और बच्चों, मैं आपको एक बार फिर ये कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माय गॉड गिवन फैमिली, माय एक्सटेंडेड फैमिली एंड माय फ्रेंड्स व्हिच आर गुड एज माय फैमिली। आई थैंक देम ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड अबव ऑल आई विल थैंक यू रुचिका फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम US टू दिस प्लेस ऑन दिस ओकेजन, एंड विक्रम हु हैज मेड दिस फैंटास्टिक बर्थडे बैश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।